गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करें पार्ट एक समर्पण। निकालिए पार्ट एक समर्पण। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे समर्पण। कविता का शीर्षक है समर्पण और इस कविता के कवि, कविता के कवि है राम अवतार त्यागी। समर्पण कविता के कवि है राम अवतार त्यागी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये कविता जो है देशभक्ति से ओतप्रोत कविता है, यानी कवि ने देशभक्ति पूर्ण कविता लिखी है और अपने कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना सब में जागृत करते हैं। अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। न्यौछावर यानी भारत माता पे अपना सब कुछ बलिदान करना चाहते हैं। कवि अपनी कविता के माध्यम से भारत भूमि पे यानी भारत माँ के ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। स्टार्ट करें, बुक देखिए सब कोई। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहे हैं मन समर्पित, यानी हम लोगों का ये जो मन है, मन समर्पित, तन समर्पित और ये हमारा संपूर्ण जीवन इस भारत भूमि पे समर्पित है। कवि कह रहे हैं मन समर्पित, तन समर्पित, अर्थात हमारा जो ये मन है, हमारा जो ये शरीर है और हमारा ये जो जीवन है, हमने जो इस धरती में जन्म लिया है, हमारा जो ये जीवन है, संपूर्ण जीवन इस भारत भूमि पे समर्पित है। हमारा यह जो जीवन है भारत भूमि पर समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती यानी हे भारत माता, हे मातृभूमि, मैं अपना पूरा जीवन, अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, समर्पण कर देना चाहता हूँ। समर्पण का अर्थ होता है अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। समर्पण का अर्थ होता है अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। कविता का, कवि का तात्पर्य यहाँ देशभक्ति की भावना को जगाना, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर अपना सब कुछ भारत भूमि पे समर्पित कर देना है। ठीक है, कवि आगे कह रहे हैं माँ तुम्हारा तीन बहुत है मैं अंकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना या समर्पण। कमी कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ तुम्हारा तीन बहुत है, तुम्हारा उपकार मेरे ऊपर बहुत है, लेकिन मैं अंकिंचन, मैं एक छोटा सा, एक अदना सा इंसान हूँ, मैं नाचीज हूँ, किंतु मेरा ये जो निवेदन है आपसे कि मेरे पास जो कुछ भी है और मेरा जो कुछ भी है सब आपके चरणों में समर्पित है। मैं माँ थाली में मैं भाल सजा के लाऊं, यानी भाल का मतलब होता है अपना माथा, यानी भारत भूमि पे, मातृभूमि पे न्यौछावर करने के लिए कवि थाल में अपना भाल सजा के लाते हैं। इसका मतलब होता है अपना सर, अपना माथा भारत भूमि पे न्यौछावर करते हैं, अर्थात अपने आप को न्यौछावर करने के लिए भारत माँ के चरणों पे अपना सर अर्पित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहे हैं मैं जो ये जो गान गा रहा हूँ, मेरा ये जो गान है, मैं जो ये गान गा रहा हूँ, मेरे गान का यानी मेरे गीत का एक एक बोल और ये गान जो है आप पे समर्पित है। मेरा जो ये प्राण है, मेरे जीवन का एक एक क्षण आपको समर्पित है। रक्त का कण कण
ये जो प्राण है, इसके साथ साथ मैं कुछ और भी आपको समर्पित करूं और मेरा सब कुछ आपको समर्पित कर दूं, जो कुछ भी मेरे पास है। कभी देशभक्ति की भावना में, कभी देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत हो करके अपना सब कुछ समर्पित कर देने की बात करते हैं। कभी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार है, कभी भारत माँ के वीर कभी कह रहे हैं कि हे माँ, माँ जो तो तलवार को लगाओ न दे, मेरी जो तल युद्ध भूमि में जाते हैं, युद्ध भूमि में क्या लेके जाते हैं, आज तो क्या लड़ रहा है, लोग जैविक युद्ध कर रहे हैं ना, रॉकेट से लड़ रहे हैं, मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, लेकिन इस कविता में कवि युद्ध भूमि में जा रहे तलवार ढाल की बात कर रहे हैं। तो बहुत पहले लिखी हुई कविता है, कवि कह रहे हैं कि मैं तलवार को मांझना मतलब होता है धार कर देना, यानी उसमें जंग लग गई है ये तलवार, इस तलवार को मैं मांझ दूं यानी उसमें धार लगा दूं। युद्ध भूमि में जाने के पहले मांझ दो तलवार लगा न देरी, यानी इस तलवार में धार लगाने में देरी ना हो, इसको मांझ दे, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। मैं युद्ध भूमि, मैं भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए मैं युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरी ये तलवार को धार लगाने में देरी नहीं करो और उन्हें मांझ दो, और वो अपने कमर में ढाल बांध के तैयार है कहाँ जाने के लिए, युद्ध भूमि में जाने के लिए। कभी आगे कह रहे भाल पर मन दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, भारत माँ से निवेदन कर रहे हैं मैं तुम्हारे चरणों की धूल, कभी कह रहे हैं मैं तुम्हारी चरणों की धूल लेकर अपने सर पे लगाना चाहता हूँ। कभी भारत माँ के चरणों के धूल को अपने सर पे लगाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाल पर मैं अपने मत पर माथे पर अपने मस्तक पर भारत माँ के चरणों से धूल लेकर उसको मल लेना चाहता हूँ, उसकी तिलक लगा करके मैं युद्ध भूमि में जाना चाहता हूँ। शीश पर छाया आशीष की धनेरी, कभी कह रहे हैं हे भारत माँ, मेरे शीश पे, मेरे मस्तक पे, मेरे शीश पे आपकी आशीष जो है, आपकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे, आपकी आशीर्वाद बनी रहे, और आपकी आशीर्वाद से ही मैं, आपके आशीष से ही आपके लिए मैं बलिदान होना चाहता हूँ। भारत भूमि में जाकर, युद्ध भूमि में जाकर आपके लिए अपना जीवन दान करना चाहता हूँ, ठीक है। स्वप्न अर्पित, कृष्ण अर्पित, आयु का छन छन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कभी यहाँ अपना जीवन अर्पित करने की बात करते हैं, अपना सब कुछ भारत माँ को देने की बात करते हैं, और कभी अपना सब कुछ अर्पित करने के साथ साथ कभी हम सब से कह रहे हैं कि मैंने जो स्वप्न देखा, मेरा जो ये स्वप्न है ये भी भारत माँ के चरणों में अर्पित है, मैंने जो प्रश्न किया, मेरा ये जो पूरा जीवन है, मेरा जो ये स्वप्न है, मैंने जो सपना देखा ये भी भारत माँ के चरणों में अर्पित है, प्रश्न अर्पित, मेरे जीवन का, मेरे आयु का एक एक क्षण भारत माँ के चरणों में समर्पित है, और चाहता हूँ दे सिर्फ ये सपने, ये स्वप्न और ये आयु ही नहीं, मेरा सब कुछ भारत माँ के चरणों में समर्पित है, ये देश की धरती मैं अपना सब कुछ समर्पित
अर्पित कर देना चाहता हूँ। हे मेरे अपने परिवार से, अपने भाई बंधु सबसे माफी मांगते हैं, कहते हैं मेरा जीवन सिर्फ यही तक सिमट के नहीं रहना है, मुझे भारत माँ के लिए, भारत माँ के चरणों के रज को अपने माथे पर लगाकर भारत माँ की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाना है, रणभूमि में जाना है। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और भाए बाए हाथ में ध्वज दे दो। कभी कहते हैं कि आज मेरे हाथ में सीधे तलवार दे दो, दाएं हाथ में तलवार दो, दूसरे हाथ में ध्वज दो। कौन सा ध्वज? तिरंगा, है ना। हमारा राष्ट्र ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। तो मेरे बाएं हाथ में तिरंगा दो, दाहिने हाथ में तलवार दो, युद्ध भूमि में अपना सब कुछ मैं अर्पित करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, भारत माँ के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर दूं। और ये जो ध्वज है ये हमारा निरंतर लगातार हवा में उड़ता जाए और ऊंचा रहे, इस तिरंगे को ऊंचा रहे रखूं। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीर का त्रिम त्रिम समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कह रहे हैं कि सुमन अर्पित फूल, मैं भारत माँ के चरणों में फूल अर्पित करना चाहता हूँ। चमन पूरा उद्यान अर्पित करना चाहता हूँ। मेरे घर नीर मतलब होता है घोंसला, नीर का मतलब होता है घोंसला, तो मैं अपने नीर का, अपने घोंसले का एक एक तिनका मैं भारत माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहता हूँ। यानी हमारे पास जो कुछ भी है, वो हर वो चीज जो कुछ भी है वो भारत माँ के लिए है, भारत माँ के चरणों में मैं अर्पित कर देना चाहता हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि हम सब में देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं, देशभक्ति, देश भारत भूमि के लिए प्रेम को जागृत करना चाहते हैं और कहते हैं हे भारत के वीर सपूतों, उठो और भारत माँ के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हो। इसीलिए हमारा यह जीवन है, हमारा जीवन, हमारे जीवन का एक एक पल सब कुछ भारत माँ के चरणों में मैं अर्पित कर दूं। हम लोग तैयार रहे भारत माँ के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगले क्लास में आपको आज कविता समझाएंगे। ये देखिए मेरा फोन नंबर है, आप लोग इस पे हमसे बात करिएगा जहां भी प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्वेश्चन आंसर बुक वर्क सब बता देंगे, ठीक है। थैंक यू, बढ़िया से पढ़िएगा।